तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग छठ पूजा वाला वीडियो एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हो, अभी बहुत ज़्यादा आसान से। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ से आप लोग VN एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा दोस्तों इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए, जैसे कि मैं आप लोग को प्रीव्यू में दिखा दिया हूँ। एंड यहाँ पर इतना करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर इतना हो जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके, और यहाँ से आप लोग को गैलरी खुल के आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आपको वीडियो पर क्लिक करना होगा, और दोस्तों वीडियो पर क्लिक करने के बाद ये वाली वीडियो को आपको ले लेना होगा, जो कि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। इसको लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है, थोड़ा सा आगे आएंगे, और आगे आने के बाद ये वाला ब्लैक शैडो को आपको डिलीट करेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो, इसको मैं डिलीट करता हूँ। एंड इतना करने के बाद दोस्तों उसके बगल में एक प्लस का आइकन देखने के लिए मिल जाता हो, तो इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ से इतना करने के बाद आप लोगों को कुछ इमेज मैं आप लोग को दे दूँगा, उस वाले इमेज को आप लोग ले लीजिएगा। तो यहाँ से मैं तो 7-8 यहाँ पे इमेज दे दूंगा, आप लोग इस वाले इमेज को ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसको इमेज को लेने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को सारा फोटो यहाँ पे लग चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग एडिटिंग का पूरा टोटल आपको बताते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा तो आप लोग हर एक चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आप लोग सॉन्ग को ऐड करना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। एंड यहाँ पे आप लोग म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे माई म्यूजिक पे क्लिक करके फाइल लेप पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से इस वाले ऑडियो को आप लोग को ले लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे छठ पूजा का ऑडियो है, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आप लोग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे माई म्यूजिक पे क्लिक करेंगे फिर से दोस्तों, एंड यहाँ पे इतना करने के बाद यूज पे फिर से क्लिक करेंगे, और दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे बीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बीट को आप लोग को ऐड करना होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, आप लोग को स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो उसी नंबर के हिसाब से आप लोग को यहाँ पे बीट को ऐड करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2.80 पे यहाँ पे एक बीट लगाना होगा, तो इसके बाद यहाँ पर रेड वाला एरो पे क्लिक करके इसको आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करके यहाँ पे आप लोग जितना भी आप लोग को नंबर दिखा रहा हूँ उस तरीके से करके आप लोग यहाँ पे सारे मतलब वीडियो पे यहाँ पे लगा देना है, मतलब जितना जितना आप लोग को नंबर दिखा रहा हूँ उतना उतना जगह पर आप लोग को बीट को ऐड करना होगा। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोग को इस तरीके का वीडियो एडिटिंग करना सिखाने में, ठीक है। बस आप लोग को 5 मिनट के वीडियो में आप लोग को सिखा दूंगा कि आप लोग पूरा फुल ट्यूटोरियल आप लोग किस तरीके से बना सकते हो, बस आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करना होगा दोस्तों। और यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग बता दो कि मेरा चैनल अभी बहुत ज़्यादा माइनस में चल रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोग को ऊपर हो जाए, ठीक है। तो इतना करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे इस वाले फोटो को, ठीक है। और यहाँ पे जूम करने के बाद फर्स्ट वाले बीट पर आएंगे, एंड यहाँ पर नीचे स्प्लिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कैंची वाले पर, एंड यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे। फिर से दूसरे वाले पे आएंगे, फिर से स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे तीसरे को डिलीट कर देंगे। मतलब इस तरीके से करके आप लोग सभी को आप लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को आपको डिलीट करना होगा। बस आप लोग को जितना आप लोग का बीट है उतना ही आप लोग को यहाँ पे रखना है, नहीं तो आप लोग कैंची वाले पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा समझ में आ रहा होगा। बस आप लोग पूरा वीडियो में आप लोग ध्यान से देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे आप लोगों को कुछ यहाँ पे इमेज को चेंज करना होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे डबल इमेज एक ही साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, एंड यहाँ पे फिर से प्लस का आइकन पे क्लिक करता हूँ, एंड इसी में से कोई सा भी एक इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं दो इमेज को ले लिया, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। एंड इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस वाले पे आएंगे और यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, एंड यहाँ पे इतना करने के बाद फिर से आप लोग को इसको आएंगे और यहाँ पे पूरा सॉन्ग को हिसाब से यहाँ पे लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे इतना करने के बाद दोस्तों आ जाएंगे, एंड यहाँ पे इतना करने के बाद फर्स्ट वाले पे आप लोगों को क्लिक करना होगा, और फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एफएक्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता होगा दोस्तों। तो इस पर आपको टाइप करना होगा, एंड यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ इफेक्ट आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है, तो आप लोग को ऊपर आप लोग को इफेक्ट का नेम भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर जीटल 0.2 यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करना है, फिर से आप लोग दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे दोस्तों। एंड यहाँ पे दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे बाद आप लोग दूसरे नंबर वाले यहाँ पे मतलब जो है ड्रॉप 1 पे आप लोग क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे इतना करने के बाद आप लोगों को सभी वीडियो पे यहाँ पे आप लोगों को इफेक्ट लगा देना होगा। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे तीसरे वाले पे भी लगाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंड पे मैं क्लिक करते हूँ, और फिर से यहाँ पे चौथे वाले पे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इस तरीके से करके आप लोग सभी इमेज पे आप लोग इफेक्ट लगा सकते हो दोस्तों, तभी आप लोग को यहाँ पे क्रिएटिव आप लोग का फोटो मतलब यहाँ पे वीडियो बन के रेडी होगा। तो फाइनली यहाँ पे मैं पूरा वीडियो में यहाँ पे आप लोगों को लगा दिया हूँ दोस्तों। एंड यहाँ पे इतना करने के बाद आपको इस प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से एड फोटो पे क्लिक करेंगे, और दोस्तों इतना करने के बाद आप लोग इस वाले इमेज को आप लोग लेंगे मतलब इफेक्ट को, और यहाँ पे आप लोग इसका म्यूजिक ऑफ करेंगे, एंड यहाँ पे आप लोग फिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड आप लोग को स्क्रीन के अंदर ना होगा, मतलब लाइटिंग आप लोग कर दीजिएगा, एंड यहाँ पे पूरा वीडियो में यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकेगा। तो दोस्तों इतना करने के बाद यह इफेक्ट भी लग चुका है दोस्तों, एंड यहाँ पे फिर से आप लोग एड फोटो पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे
फोटो एंड वीडियो पर क्लिक करके, और दोस्तों यहाँ से आप लोगों को इस वाले इमेज को आपको सेलेक्ट करना होगा जो कि यहाँ पे ब्लैक साइड हुआ दोस्तों, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और इसको लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, यहाँ पे जूम करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और जाएगा आप लोगों को काम है। चलिए मैं आपको बताते हैं, ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखते रहिएगा। इतना करने के बाद दोस्तों इस वाले मतलब फोटो को ब्लैक साइडों को आप लोगों को पूरा फुल वीडियो में यहाँ पे लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा फुल वीडियो में यहाँ पे आप लोग एडजस्ट करके लेकर चलता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो भी चुका है। और दोस्तों इतना करने के बाद फिर से आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों को प्लस के फिर से आइकन पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आप लोगों को ये छठ पूजा का यहाँ पे पीएनजी वाला इमेज को आपको सेलेक्ट करेंगे और इसको कुछ इस तरीके से नीचे लेकर आएंगे दोस्तों। और यहाँ पे नीचे लेकर आने के बाद यहाँ पे अच्छी तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे एडजस्ट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, और यहाँ पे आपका वीडियो भी बनकर रेडी हो चुका है, बस आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे छठ पूजा का यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है, और बहुत ही आसान तरीके से आपका वीडियो बनकर यहाँ पे पूरा फुल HD में रेडी हो चुका है। अब इसको सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए ऊपर आप लोगों को सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, एंड यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करेंगे, मैनुअल पे क्लिक करें और सेटिंग आप लोग देख लीजिए डाउनलोड करने का, तो कुछ इस तरीके से आप लोग सेटिंग को रखिएगा। एंड यहाँ पे एक्सपर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप एक्सपर्ट होना स्टार्ट हो चुकेगा दोस्तों। मैं यहाँ पे एक्सपर्ट में क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एक्सपर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो फिर चलिए किसी अगले वीडियो को